के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव की तबीयत बिगड़ गई है। उनके गुर्दे यानी कि किडनी को काफी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि लालू यादव की किडनी केवल 37% ही काम कर रही है, उनकी किडनी को 63% तक नुकसान पहुंचा है। राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की दोनों किडनियों में इन्फेक्शन है। उनका ब्लड और शुगर प्रेशर भी स्थिर नहीं है, जिसके चलते उन्होंने खाना पीना कम कर दिया है। उनका इलाज कर रहे एक वरिष्ठ डॉक्टर ने 31 अगस्त को ये जानकारी दी। 71 साल के लालू प्रसाद का रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि रिम्स में इलाज चल रहा है। रिम्स में लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर पीके झा का कहना है कि लालू यादव की किडनी केवल 37% ही काम कर रही है, उनकी किडनी को 63% तक नुकसान पहुंचा है। पिछले एक सप्ताह से उनकी स्थिति अस्थिर है। आपको बता दें कि राजद प्रमुख लालू यादव के लिए दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते एक साल से वो कानूनी मोर्चे के साथ साथ स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों से भी जूझ रहे हैं। चारा घोटाले से जुड़े केस में दोषी ठहराए जाने के बाद लालू यादव के लिए संकट का दौर चल रहा है। लालू यादव को रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में भर्ती हुए एक साल से ज्यादा हो गया है। लालू को बीते साल 30 अगस्त को रिम्स में भर्ती करवाया गया था। फिलहाल उनकी हालत के चलते अस्पताल में उनसे मिलने के लिए प्रशंसक को राजनेताओं और रिश्तेदारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। न्यूज डेस्क।